लड़किया भागसी वे ससुराल वाला पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं कोनी पढ़ाई मोको देवे तो देव नहीं कोनी देवे जो तो पढ़ेगी पढ़ाई करेगी आपके पगा पर खड़ी होगी उसके बाद जो शादी करेगी बहुत बड़े निर्णय जो अगर बच्चा रुके कॉलेज पढ़े 21 साल की उम्र के भाग गया लड़की पढ़ लिख करे फुल अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके हर चीज में दर्जो बराबर दे रहा क्यों जना फिर शादी का माल अलग क्यों दे रहा कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर राम राम साहब मैं बलराम कैमरामैन उत्तम का सागर अगर जलको चूरू चैनल पर थे नया हो तो चैनल ना सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबानो ना भूलिया आज आए आप रतनगढ़ में इस जगह आप लोगों से बातचीत करांगा फिर एक लड़की की जिसकी शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी इस जगह लोगों की के कुछ राय है बिग बार आप जानांगा लड़की की जिसकी शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी के राय है ऊपर थारी बच्चा शिक्षित होना के लिए शिक्षित हो जाए बच्चा अभी वापस खड़े हो जाए बाद में शादी करे बढ़िया रहा बच्चों नुकसान भी है फायदों भी है फायदों तो बच्चा शिक्षित होना पढ़ने के लिए है कि अब पका खड़े होकर काम कर सके और नुकसान है कि बच्चा है कि ज़्यादा भागने से सारी चीज बच्चा क्यों अगर बच्चा रुके कॉलेज कॉलेज पढ़े 21 साल की उम्र के भाग गया लेकिन आधी बात है कि लड़को लड़की 21 साल की उम्र बयान गलत है लड़की कम से कम 19 साल 20 साल की चाहिए लड़को 21 22 साल को चाहिए भाई बढ़िया रहे बाकी और करने से बहुत बढ़िया काम है अरे कह रहा है देखो लड़की की उम्र 18 साल लड़को 20 साल 21 साल आराय होने से ही संसार बसानी तो गुरुआ से गुला कर दी अब जिया दोनों के बराबर कर दी तो के नुकसान ही हूँ लड़कियाँ भागसी वे तो यहाँ लड़कियाँ भागने सवाल खोली लड़की बना लो आजकल 20 साल पहले 12 साल 13 साल की लड़कियाँ बैठ देती बाद मौज गिरे आज 18-18 लड़कियाँ ब्याह ना लोग आज तकलीफ तो हुई है तो ना उम्र 18 साल की 17 साल की अभी ठीक है लड़के 20-21 साल की उम्र ठीक है और बात करने चाहे 40 साल का गए 50 साल का गए सावधान 17-18 साल की लड़की होनी चाहिए लड़को 20-21 साल को होना चाहिए मम्मी बढ़िया रहे नौजवानी मम्मी काम है बाकी करने जो 40 वर्ष का करना गया 80 साल का 35 साल का 36 साल का लड़का बैठिया को नहीं हुआ इससे क्या कहे जनसंख्या नियंत्रण हो सी एक तो और लड़की ने बिना फायदा हो सी आगे बढ़ने के लिए बा कर सके रबी कह लड़का लड़की में और अंतर है तो लड़की भी देखा मैं भी आगे बढ़ना चाहूँ बिल्कुल अगर छोटी उम्र में भी शादी कर देवे तो बात बंद जावे बिल्कुल आगे कौन बढ़ सके ये वास्ते कहेगा ओ सही है फैसला एकदम कबा मनचाहे आपको जॉब कर सके मनचाहे फैसला ले सके हमारी इसमें राय ये है कि जो लड़की की 21 साल की शादी की है वो बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही बढ़िया कानून बनाया है सरकार जो भी कार्य कर रही है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है एकदम मतलब वो सही निर्णय लिया है बिल्कुल सही 100% 101% सही निर्णय के फायदे इसी का इस कानून से देखो फायदा ही फायदा है इस कानून से नुकसान तो नाम की चीज नहीं है सब फायदा है लड़की पढ़ लिख कर फुल अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके आत्मनिर्भर होने के लिए 21 साल की जो शादी की निर्णय लिया है वो बहुत ही सुंदर निर्णय है पहली बात तो केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले वो सारी जनता के लिए मान्य हुए क्योंकि तो भी बहुत सारा बुद्धिजीवी है सोच समझ रो फैसलो ले हुए दूसरी बात यदि हम अवस्था की बात करें अवस्था में गृह विज्ञान के आधार पर लड़की को लड़के की बजाय पहले परिपक्व दिखाते हैं कि वो अपनी उम्र जैसी बढ़ती वैसे लड़की की उम्र की बराबरी यदि दोनों बराबर उम्र में जन्मे हैं तब भी लड़की पहले परिपक्व हो जाती है और यदि हम लिंग के आधार पर समानता की बात करें केंद्र सरकार की तब तो ये निर्णय उचित है अपनी भाषा में यदि बात करा क्या भाई लड़की है लड़का ना हो हर चीज का मजादा पहले तैयार हो जाए शारीरिक प्रक्रिया के अनुसार शारीरिक अंगा के द्वारा तब तो निर्णय पहले वाला भी ठीक हो 18-21 वर्ष हो और समानता की बात करें तो हम हिंदुस्तान की बात का मां सागा हर चीज में दर्जो बराबर दे रहा क्यों जना फिर शादी का मां अलग अलग क्यों दे रहा तो कुछ कथन ये सत्य भी है जी फायदा देखे जाए तो मतलब के कुछ फायदे ऐसी मतलब दोनों समान कर दी जान एक तो जी लड़का लड़की की उम्र नापा लेर चला के ब्यापान लड़को ब्याड़ो और 3 साल बाद में उसी लड़की जल्दी होगी बात चीज है मायत के टेंशन खत्म हो जाए क्या ब्यापान तो आप उम्र जिसकी केंद्र सरकार तय करीब के आधार पर करना है अब रही फायदे की बात फायदे तो अलग अलग इलाकों है अलग अलग रहन सहन है जिससे वातावरण है जिससे माहौल है जिससे समाज है बिल्कुल निर्भर करे शिक्षित परिवार है शिक्षित माहौल है शिक्षित एरिया है बिग मा चीजा ने बहुत ज्यादा यहाँ महत्व है कौन दे और शिक्षा वंचित एरिया है या फिर रूढ़ीवादी एरिया है बांग माते इस चीज ने बहुत ज्यादा वाने इंतजार करना पड़सी और साहित्य बांग एक मानसिक तनाव भी रहे सी कैसा अभी 21 साल तक क्या रोक से बात हुई खास कर एक आप स्त्री जाति की बेटी की बात करा तो बाकी आज के युग का टेक्नोलॉजी युग है
दूसरी बात है, पढ़ा लिखा समाज है, भी कमाई चीज की भ्रांति नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, कुल मिलाकर समानता रूप वाली बात है। हमारे यहाँ कहते भाई 21 साल की हो जाए जहाँ की आराम से साफ हो जाए, आंकड़ा समझा गया ये वास्ता है 21 की है तो आपने पसंद है की फायदा उसी चीज की देखा था। फायदा तो ये है कि बच्ची है कि समझदार हो जाए, सही तरीके से घर व्यवस्थी संभाल सके आपकी, के लिए बढ़िया काम है। लड़की की शादी की उम्र आज की 21 वर्ष कर दी, क्या राय है प्रधानी? बहुत बढ़िया निर्णय है केंद्र सरकार को, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया निर्णय है, लड़की 21 साल तक वह पढ़ेगी, पढ़ाई के लिए भी के लिए बहुत बढ़िया निर्णय करी है, क्यों तो पढ़ेगी, पढ़ाई करेगी, आपके पगा पर खड़ी होगी, उसके बाद वो शादी करेगी, बहुत बढ़िया निर्णय है, सराहनीय है। लड़की की शादी की उम्र आज की 21 वर्ष कर दी, क्या राय है प्रधानी? सही करी है तो, मतलब लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी पर, हाँ ये बिल्कुल सही है। के कुछ फायदे इसी से, इससे लड़की को आगे बढ़ने के पूरा मौका मिलेगा। यहाँ की मतलब जी पहले 18 वर्ष की अगर शादी कर देता लड़की की तो मतलब मौका को नहीं मिलता है भी वहाँ पर, देखो मौका तो मिलता लेकिन शादी बाद में ससुराल वाला पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं कोनी पढ़ाई, मौको देवे तो देवे नहीं कोनी देवे, अब कोई सपनो लड़की को है तो ससुराल में शादी बाद में कोई पूरा कर दे तो देव नहीं को नहीं देव। कोई लड़की है तो मान लो सिविल सेवा में जाबो चावे या फिर आर्मी वगैरह में जाबो चावे तो शादी बाद में कोई को नहीं जाबा देवे, इन नियम को सही उपयोग कर सी ना तो वह आगे बहुत बढ़ सके, अगर नहीं कर सी ना तो आप 20 भी नीचे गिर जासी। मतलब कि पहले लड़की की उम्र 18 वर्ष होती थी शादी कर देता, अब बड़ा की 21 कर दी, 20 के कुछ नुकसान होता, मतलब छोटी उम्र में शादी कर देता जब, अब बहुत सी लड़कियां हुई जैसे ग्रेजुएट भी पूरी और पहले शादी हो जाए तो बाकी ग्रेजुएट या दूरी रह जावे, वे आगे की पढ़ाई तो करी कौन सके, बिल्कुल ही कौन कर सके। अगर शादी बाद में कोई बच्चा वगैरह हो जाए तो बच्चा की वजह से या फैमिली की वजह से कोई एग्जाम में दूरी रह जाओ, क्योंकि मेरा तो बहुत सारा उदाहरण देखे रही है ऐसा, कोई सेकंड ईयर में एग्जाम छोड़ दी, कोई फाइनल में छोड़ दी। और निर्णय सरकार ने बिल्कुल सही किया था कि 21 साल लड़की की एज हो जाओ तो अपना भविष्य बना सके, अगर 21 साल हो जाए तो अच्छी तरह से पढ़ सकती है, परिवार वालों को शिक्षित कर सकती है, बेरोजगारी में नहीं रहेगी और अच्छी खासी टैलेंट ले लेगी, तो 18 होगी तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगी, अधूरी रह जाएगी और बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर 21 वर्ष कर देसी तो आपका सपना पूरा कर लेसी, बेरोजगार को रोजगार भी प्राप्त कर लेसी, प्राप्त हो जैसी जकी वजह, मतलब आपका आना भविष्य हम बच्चा वगैरह सब ने शिक्षित कर सके। अगर वीडियो अनचोखो लगे तो वीडियो लाइक करे, चैनल ने सब्सक्राइब करे और वीडियो शेयर करना ना भूलिया, और थारी राय कमेंट में जरूर बताया कि सरकार जो कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी पर थारी के राय है। जय चूरू, जय जय राजस्थान, जय हिंद।